तो श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी आई। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भी आग लगाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 से रिटायरमेंट के बाद भी टीम इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है, जो बैटिंग लाइनअप है, जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं है और इसकी झलक हमें कल श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में दिख गई है। चाहे आप यशस्वी जायसवाल को ले लें, शुभमन गिल को ले लें, या फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो धमाकेदार पारी आई है वो सूर्य कुमार यादव की ले लें, और अब तो कप्तान भी बच चुके हैं। तो कमाल की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली, जो कल स्टार्ट मिला टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल से 74 रन की वो पार्टनरशिप, जिसमें 21 गेंदों में 40 रन की पारी यशस्वी जायसवाल की थी और 16 गेंदों में 34 रन की जो पारी थी वो शुभमन गिल की थी। शुभमन गिल ने भी कल 200 प्लस स्ट्राइक रेट से रन बनाए, उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव की तो क्या ही कहने, 26 गेंदों में 58 रन की ताबड़तोड़ पारी और टीम इंडिया ने कुल 20 ओवर में 213 रन जड़ दिए थे। जबकि बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत थोड़े से कल स्लो रहे, मैं कहूँगा कि थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा स्लो रहे, क्योंकि 33 गेंदें उन्होंने ले ली और सिर्फ 49 रन ही बनाए। हालांकि इस तरीके की बल्लेबाजी कम ही करते हैं ऋषभ पंत, लेकिन कल उस तरीके से बैटिंग नहीं हुई ऋषभ पंत के बल्ले से, वो थोड़े से डिस्टर्ब भी लग रहे थे क्योंकि जो गेंदें हैं वो उसे मिस हो रही थी। लेकिन 33 गेंदों में 49 रन की जो पारी है वो भी एक शानदार पारी कहेंगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी जहाँ पर वो और ज़्यादा रन बना सकते थे, लेकिन कुछ गेंदें उनसे मिस हुई जिसके चलते जो है टीम इंडिया 225-30 तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन 213 रन बनाए टीम इंडिया ने, जिसके जवाब में प्रथम निशंका की एक 79 रन की कमाल की पारी आई। और श्रीलंका ने कोशिश तो की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि 160-170 बना पाएगी, तो इससे 170 रन बनाए श्रीलंका ने और पहला T20 मुकाबला ज़रूर हारी है अपने ही घर में श्रीलंका। और आपको बता दें कि T20 में अभी तक श्रीलंका ने टीम इंडिया को नहीं हराया है, और जो ये जो टीम खेल रही है अभी श्रीलंका के खिलाफ, ये वन ऑफ बेस्ट टीम है। आप देखेंगे तो चाहे जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, सूर्य हो, या फिर आपके ऋषभ पंत हो, इसके अलावा भी टीम इंडिया के पास एक और टीम है जिसमें आप चाहे ऋतुराज गायकवाड़ को ले लें, शिवम दुबे को ले लें, या फिर और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ले लें, तो एक इसके अलावा एक और टीम बन सकती है टीम इंडिया की, और वो भी इसी तरीके की स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है। यानी कि हमारे पास जो खिलाड़ियों का दायरा वो बहुत बड़ा है, दो टीम बना सकते हैं आप इंटरनेशनल और खिला सकते हैं, और दोनों टीमें ऐसी तगड़ी टीमें बनेगी कि अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ वो खिला सकते हैं और टीम इंडिया जीत कर भी दिखा सकती है। और दोस्तों T20 वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया है, और श्रीलंका के खिलाफ जो पहला T20 मुकाबला है ये भी टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया है। और इस मुकाबले में हमने देखा किस तरीके से रियान पराग को 3 विकेट मिले, अंत में आकर रियान पराग ने बैक टू बैक 3 विकेट चटका दिए, वो एक कमाल का मोमेंटम था। हालांकि पारी उनके बल्ले से बड़ी नहीं आई, जब वो बैटिंग करने आए तो 4-5 ओवर रह गए थे, वहाँ से वो एक लंबे लंबे लगा कर एक अच्छा स्टार्ट अपने आप को दे सकते थे, लेकिन ठीक है जो उन्होंने गेंदबाजी की 3 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें मनीषा पत्राना की, तो गजब की गेंदबाजी, 4 ओवर में 40 रन जरूर उन्होंने खर्च किए, क्योंकि T20 आए क्रिकेट है, यहाँ पर रन तो खर्च होते ही, और सूर्य जैसे जब बल्लेबाज सामने बल्लेबाजी कर रहे हो तो रन तो खर्च होते हैं, लेकिन 4 विकेट चटकाए उन्होंने, कमाल की गेंदबाजी की, जो यॉर्कर्स डाली उन्होंने स्पेस के साथ, वो उन्होंने हार्दिक पांड्या को बोल किया, ऋषभ पंत को बोल किया, सूर्या को आउट किया, यानी कि जो मेन जो बल्लेबाज थे उनके विकेट चटकाए, तो कमाल की गेंदबाजी कहेंगे महिषा पति राणा की। और पहला T20 मुकाबला टीम ने जीता, बाकी के दो मुकाबले जो है वो भी आसानी से ही जीतेगी। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।